भीम, अरे भीम, वहां बाजार में तेरा दोस्त कान्हा तुझे खोज रहा है। कान्हा? अरे भीम, क्या हुआ? कुछ नहीं। तो क्या तुम कान्हा से मिलने नहीं जाओगे? नहीं, मैं क्यों जाऊं? अपने दोस्त से मिलोगे नहीं? कौन दोस्त? अच्छा, तो अब मैं दोस्त भी नहीं रहा। मेरे दोस्त तो मेरे साथ रहते हैं, मुझसे मिलने आते हैं। जो मुझसे कभी मिलता ही नहीं, वो दोस्त कैसा? लो, मैं तो दोस्तों के लिए एक तोहफा लाया था। कहाँ है? वो वहाँ पेड़ के पीछे रखा है। हाँ हाँ, देख ली तुम्हारी भी दोस्ती। जब तुम पर संकट आया तो मैंने तुम्हारी मदद की, और अब जब मुझे एक बड़ी मुश्किल का सामना करना है तो तुम मेरा साथ देने से मुंह फेर रहे हो। हाँ? कैसी मुश्किल? तुम ठीक तो हो ना कान्हा? मैं ठीक हूँ भीम, पर वहाँ पाटलिपुत्र में सब ठीक नहीं है। लोग बहुत मुसीबत में हैं। उन्हें बचाने के लिए तुम मेरी सहायता करोगे? दोस्त इस तरह पूछते नहीं हैं, हक से बोलते हैं। तो कल सूरज उगते ही हम सब पाटलिपुत्र के लिए निकल पड़ेंगे। पाटलिपुत्र ढोलकपुर की दाईं ओर स्थित एक बड़ा पुराना राज्य है। बाप रे! हाँ? ये तो ढोलो भोलो की आवाज थी। तुम? कालिया, तुम? हाँ, हमने सोचा भले काम में हमें भी मदद करनी चाहिए। कहाँ गए सब के सब? दरवाजा खोलिए! अरे कोई है? कोई है? कोई तो खोलो! कोई है? दरवाजा खोलो! खोलो! दरवाजा खोलो! कोई है? यहाँ पर भी कोई नहीं है। मैं तो कहता हूँ बाकी काम कल सुबह करेंगे, अभी कोई अच्छी सी जगह ढूंढकर सोने का इंतजाम करते हैं। Ah!
हैं? ये क्या अजीब से लोग हैं? इन्हें तो चोट भी नहीं लगी। ये लोग हैं ही नहीं, उनके मुर्दे शरीर हैं, पर जो मरते भी नहीं हैं, और जिसे ये पकड़ ले उनका भी इन्हीं सा हाल हो जाता है। कोई तो बचाओ! बचाओ! बेवकूफों, शर्म नहीं आती? इस तरह कायरों जैसे खड़े हो? घरों में जलती मशाले लगाई है। इनसे निपटने की सोचो। आ जाते हैं कृष्णा, छोटा भीम और कृष्णा छोटा भीम।